शतक कौन है सूरज? कौन शतक? इधर आके शक्ल दिखा अपनी, दिखा मेरे को, नहीं दिख रही। तू देख ही नहीं रहा है, तू गायब हो गया। अरे दरवाजा अपने आप कैसे खुल रहा है? नहीं देख, दरवाजा अपने आप खुल रहा है, कोई नहीं है यहाँ पे। पहले सात तक खोल रहा है, नहीं है, दिख नहीं रहा तुझको? मुझे दिख रहा है। गायब हो गया सतर्क, कहाँ गया आखिर ये? ये दरवाजा भूत खोज गया लगता है दरवाजे में। ये क्या है? ये दिख गया सार्थक, अब एक गायब हो गया था अभी तो। कौन है सूरज? शतक शेर कौन है? हेलो एवरीवन, जय सिया राम जी, राधे कृष्ण जी, सबको जय माता दी। और कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि सभी बहुत अच्छे से होंगे, हम भी ठीक हैं। और ये देखिए, सुबह सुबह से, सुबह तो नहीं मतलब दिन का टाइम था ये, दिन में बच्चों की ऐसी महाभारत हो रही थी ना यहाँ पे, और धैर्य जो है इन दोनों को बहुत ज़्यादा चिढ़ा रहा था, आपस में ना झगड़ा लगा रहा था इनका। खा जा शेर, सर तक शेर खा जा बच्चा। हाथी का मुंह टूट गया, शेर नीचे उतर के खाए से। शेर ने दिमाग लगा दिया, नीचे का हो गया। तो फ्रेंड्स, अभी है शाम का टाइम, और शाम का टाइम मतलब मेरा आपको पता ही है कि कौशल से आने के बाद अभी मैं यहाँ पे लगी हूँ खाना बनाने। तो चलिए आज आपके साथ बहुत ही पहाड़ी स्टाइल में एक बहुत ही स्पेशल सब्जी जो है उसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। वैसे हमारे घर में वो ज़्यादा किसी को इतनी पसंद नहीं है, लेकिन हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको खाना चाहिए। और ये जो होता है ना, ये एक कंप्लीट फूड माना जाता है। ये पुराने टाइम में तो बहुत तरीके से खाते थे इसको, लेकिन चलिए आज मैं बिल्कुल पहाड़ी तरीके से, जैसे मेरी मम्मी बनाते थे ना, वैसे ही मैं ये आज बनाऊँगी और दिखाती हूँ आपको कि क्या बन रहा है। सबसे पहले तो ये दिखाती हूँ क्या बन रहा है ना। बाहर बच्चों ने ना टीवी लगाया हुआ है, आज पूरा दिन लाइट नहीं थी और मेरे फ़ोन में ना बैटरी नहीं थी। ये देखो, राधे राधे जी, देखो एक दूसरे की मिशकड़ू। तो अभी दोनों यहाँ बैठे हुए थे, लेकिन जैसे ही मैंने वीडियो शुरू की ना, वैसे ही दोनों के दोनों में कंपटीशन, मैं सब्जी रोटी बनाती हूँ, आप बैठो हटो। चूहा। तो चलिए अभी अभी आइए, लाइट ना 5:30 बजे, तो उसके बाद मैं फटाफट से चली गई थी कौशेट का काम करने के लिए। और चलिए सबसे बातें ज़्यादा हो जाएंगी ना। ये क्या है सभी लोग जानते होंगे, हर जगह पे वैसे होती तो हर जगह पे ये, लेकिन नाम ना अलग अलग है हर जगह पे इसका। तो ये है जी गागुटी, अरबी भी बोलते हैं इसको। और आज बनेगी इसकी सब्जी, बनेगी आज बहुत ही डिफरेंट स्टाइल में। हम बिना टमाटर के बनाते हैं, टमाटर टमाटर नहीं डालते हम इसमें, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत ठंडी सब्जी होती है, और इसलिए इसमें जितनी भी गर्म चीज़ें होती है ना, सारी वही डाली जाती हैं। इसको ना उबाल दिया था हमने, छील लिया है, और ये देखिए इसका छिलका हमने निकाल लिया। तो इसका छिलका ना बहुत पौष्टिक होता है, ये ना मैंने धोई भी थी ना पहले, तो इसमें मिट्टी वगैरह नहीं है, तो इसका छिलका जो है ना, ये हम गाय को देंगे, इसमें बहुत पौष्टिकता होती है। यहाँ पे मैंने प्याज और अदरक जो है ना वो काट लिया, अभी इसमें मुझे लहसुन भी काटना है। और अदरक प्याज लहसुन इन तीन चीज़ों से ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। इसको ना फ्रेंड्स ऐसे ही नमक लगा के भी खाया जाता है, जैसे काली मिर्च वाला नमक या फिर काला नमक होता है ना, उसके साथ भी खाया जाता है। ऐसे भी ये अच्छी लगती है खाने में, मतलब
बहुत ज़्यादा पसंद तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने बनाया कि जो नई सब्ज़ी होती है ना, देखिए हर मौसम के लिए हर सब्ज़ी बनी है, तो आजकल के लिए स्पेशली ये बनी है। कई बार क्या होता है ना कि सर्दियों में बहुत गर्म चीज़ें खाने से या कुछ भी ऐसे, उससे हमारा रेशा जो है ना वो जम जाता है, नहीं निकल पाता किसी कारण से, तो इसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिससे कि ये हमारे रेशे को निकालती है। तभी तो कहते हैं ना कि हमने डॉक्टरी खाई थी और ठंड हो गई, जुकाम आ गया, तो जुकाम नहीं आता है बेसिकली, ये जो हमारा रेशा जमा हुआ होता है ना अंदर, ये उसको बाहर निकालती है, तो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छी होती है, इसलिए मैं इसको बना रही हूँ। क्योंकि मम्मी जो है वो हमेशा कहते थे कि जो हर मौसम की चीज़ है ना वो उसके हिसाब से ही बनी होती है और वो हमें खानी चाहिए। तो ठंड में अरबी खाएं, अरबी भी बोलते हैं इसको, गवटी भी बोलते हैं हमारे, तो कई जगह पे इसको आर भी बोला जाता है शायद। तो सब्जी बनाएंगे, मैंने कुछ पीस ना यहाँ पे साइड में रख लिए हैं ऐसे ही खाने के लिए, तो एक एक पीस हम खाएंगे, मतलब बच्चे, और ये मेरे पास जो काला नमक है ना वो मैं इसमें लगा रही हूँ थोड़ा थोड़ा। हम बहुत खाते थे, पहले होती भी थी ना बहुत, अभी तो इतना मतलब लगाना ही कम कर दिया है लोगों ने इस बार हमारे, थोड़ी सी हमारे ना ये बीज ही गड़ गया था फ्रेंड्स, मतलब बीज गड़ना मतलब ख़त्म ही हो गया था, अभी इस साल थोड़ी सी हुई है 2-4 किलो, तो वो हमने ना बीज के लिए रखी है, तो अगले साल फिर उसको लगाएंगे ना, तो 15-20 किलो जो है वो हो जाएगी। तो ये देखिए जी तैयार हो चुकी है हमारी अरबी खाने के लिए, मैंने इसमें नमक डाला है थोड़ा थोड़ा, तो चलिए थोड़ी सी खा लेते हैं। लो खाओगे तुम लोग? ये गावती है नमक लगा के खाते हैं, अच्छी होती है। बुद्धू जैसे आलू होते हैं वैसी होती है ये, खा के देखो। देखो देखा फ्रेंड्स आपने बच्चों का रिएक्शन, मैं इनके लिए लेके आई। देरी तूने खानी है ना, मेरे को चाय पीनी है, मेरी गावती। तो फ्रेंड्स सभी बच्चों ने बहुत ही ठंडा रिस्पांस दिया यहाँ पे गावटी के लिए, मना कर रहे हैं खाने को। हम तो खाते थे पहले भी ना, और अभी भी ऐसे खाते ही हैं, लेकिन आजकल के बच्चे देखो इनको ना मतलब बाजार की चटर पटर चीज़ें मिले वो खाएंगे, लेकिन ये चीज़ें जो हैं ये नहीं खाते। और धैर्य तो चाय मांग रहा था कि मुझे चाय दे दो मम्मा। सबसे पहले हम इसमें डाल देंगे साबुत जीरा, ये देखिए साबुत जीरा डालने के बाद जो हमने प्याज था। प्याज अदरक डाल दिया है हमने यहाँ पे, तो वैसे तो आपने बहुत सारे टाइप की देखी होगी रेसिपीज़ ना, अरबी की सब्ज़ी कैसे बनाएं, मतलब तरी वाली सूखी सब्ज़ी कैसे बनाएं, लेकिन इस तरीके से अगर आप बनाएंगे ना तो सच में अगर आप 4 रोटी की जगह ना 6 खा जाएंगे, बहुत टेस्टी बनती है इस तरीके से। तो जब ये प्याज और अदरक भुन जाए ना थोड़े, तो यहाँ पर कुटा हुआ मसाला था, धनिया और लहसुन इसमें कूटे हुए थे, तो मैंने काट के अलग से नहीं डाला क्योंकि मसाला कूटा हुआ था ना, तो मैंने वही डाल दिया। और यहाँ पर लगभग 1 चम्मच मैंने मिर्च का डाल दिया है, और इसको भी हम थोड़ा सा भून लेंगे, और हल्दी डाली है 1 चम्मच। तो ये सारे मसाले जो है ना 10-20 सेकंड के लिए हम थोड़ा सा इसको यहाँ पे भून लेंगे, और उसके बाद हमने जो अरबी रखी है ना उबाल कर छील कर और काट कर, ये देखिए काट भी थी हमने बीच में ना, इसमें 1-2 जो है अरबी वो रह गई थी काटने के लिए, तो उसको मैं ऐसे ही जो ये चम्मच है ना मसाला चलाने के लिए दिया हुआ, इसी से ही मैं इसको काट दूँगी। और इसको हमें करना है मिक्स अच्छे से, ताकि ये जो मसाला है ना ये सारी अरबी में चला जाए। तो इसमें ना मतलब 1 मिनट के लिए ऐसे ही सूखा राड लगाना है, सूखा राड मतलब अभी इसमें पानी कुछ भी नहीं डालेंगे हम, बस इसको ऐसे ही थोड़ी सी देर पकने देंगे, और इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे जी हम नमक। तो यहाँ पर मैंने डाला था 2 चम्मच, ये चम्मच छोटा है ना तो 2 डाले हैं यहाँ पर,
और हमारे घर में वैसे भी नमक थोड़ा तेज़ी खाते हैं हम लोग, और बस इसको यहाँ पे नमक डालने के बाद इसको थोड़ा सा बस ऐसे ही पकने देंगे हम। अभी इसमें हम पानी वगैरह ऐड नहीं करेंगे। आप चाहे तो इसको ऐसे ही सूखी सूखी बना सकते हैं एज अ स्नैक्स खाने के लिए, लेकिन मैं यहाँ पे डाल रही हूँ इसमें लस्सी। जी हाँ, ये बन रही है लस्सी वाली अरबी। ज़रूर बनाइएगा इसको, बहुत टेस्टी बनती है। कोई अगर नहीं भी आपके खाता होगा ना ये सब्ज़ी तो वो खाएगा। और मैं बनाने वाली हूँ इसको सूखी। कई जगह पर मैंने देखा है लोग इसको तरी वाली भी रखते हैं, मतलब ग्रेवी वाली भी रखते हैं, दही या लस्सी वाली ना जो बनाते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल सूखी सूखी बनाने वाली हूँ इसको। ये देखिए इसमें उबाली आ गई। जब इसमें उबाली आ गई तो मैंने यहाँ पर इसमें धनिया की पत्ती, जो हरा धनिया होता है ना, वो डाल दिया था। और इससे तो इसके टेस्ट में ना चार चांद लग जाता है सच में गाइस। और ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस सर्दियों में इस रेसिपी को। सर्दियों में खासकर बनाई जाती है ये लस्सी वाली अरबी। और ये है हिमाचली स्टाइल में, आपको बता रही हूँ मैं, असल में पहाड़ी स्टाइल में हमारे यहाँ पे इस तरह से बनाई जाती है। और ये देखिए यहाँ पे हम खाने भी लग गए थे तो बहुत टेस्टी बनी थी, बाद में बच्चों ने भी खाई थी, इनको टेस्टी लगी थी। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के ब्लॉग का एंड यहीं पे मिलूंगे एक और नए ब्लॉग में। जय सिया।